हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार नारायण जी, हम एक्सेसर और करने बीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल टॉपिक में मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड देयर प्रिवेंशन। क्या बात करेंगे? मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड देयर प्रिवेंशन शॉर्ट नोट्स में आ चुका है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, क्या मेथड है इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होने का? पहला है कॉन्टैक्ट, बहुत सारा है, ठीक है, 7-8 है, हम आप सबको पढ़ाएंगे। कॉन्टैक्ट में आप देख लेते हैं, इन्फेक्शन मे बी एक्वायर्ड बाई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से जो एक्वायर्ड हो तो कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, एंड विच मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज सच एज सिफिलिस, गोनोरिया, स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सब कैसा है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मे बी थ्रू द फॉर्माइट्स विच आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज क्लॉथ, पेंसिल और टॉय, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन ये सब, एंड विच कंटामिनेटेड बाई ए पैथोजन, मतलब जैसे कि आप क्लॉथ, पेंसिल, टॉय यूज़ कर रहे हैं, जैसे सर्दी हो जाता है पेंसिल यूज़ करने से। मान लीजिए कोई दोस्त है मेरे ऊपर, हुआ तो नहीं है सर्दी, तो मान लीजिए मैं जो हुआ हो, ठीक है, और ये पेंसिल किसी को हम दे दें, तो ये पेंसिल में भी रहता है राइनो वायरस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोई चीज़ से, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ठीक है। एंड तब क्या है प्रिवेंशन? क्या है? मेंटेन सैनिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटाइजेशन एंड अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी विथ ए स्ट्रेंजर। ये तो मेट्रो सिटी में होता है ज़्यादातर, कि स्ट्रेंजर के साथ मतलब आप सेक्सुअल प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, और थोड़ा सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखे तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इनहेलेशन, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरकुलोसिस आर ट्रांसमिटेड बाई इनहेलेशन ऑफ द पैथोजेन शेड बाई द पेशेंट इन टू द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल और बिग ड्रॉपलेट ड्यूरिंग स्नीजिंग, स्पीकिंग एंड कॉफिंग। दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। जैसे इन्हेलेशन में क्या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस आर ट्रांसमिटेड बाय इन्हेलेशन पैथोजन शेड बाय पेशेंट दूसरे कोई जिसको हुआ हो वो शेड करता है इनटू इन्वायरमेंट, कहाँ पर? इन्वायरमेंट में, एंड फॉर्म ए स्मॉल ड्रॉपलेट, बिग ड्रॉपलेट बन जाता है ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड स्पीकिंग और कॉफिंग, जब खांसता है, बोलता है, कफ करता है, तो उस टाइम पे ये बाहर आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, और दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। कुछ क्योंकि छोटे छोटे होते हैं तो एयर में तैरते रहता है ये, ठीक है, एंड जो ड्रॉपलेट हो, छोटे छोटे होते हैं तो एयर में ड्रॉपलेट तैरते रहते हैं, एक्टिंग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और वो सोर्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं। एंड प्रिवेंशन क्या है? स्नीजिंग इन टू हैंडकरचीफ रुमाल ढक कर करें, स्नीजिंग खांस छींकना होता है ना, एंड यूज ऑफ फेस मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, हमेशा पब्लिक प्लेसेस में आप अपने सेफ्टी के लिए भी यूज़ करें, ठीक है। अब है इंसेक्ट से, इंसेक्ट में एक्ट एज द मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन बाई प्रॉपर मेथड अगेंस्ट वेक्टर ब्रीडिंग। क्या है? मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे मस्क्यूटो हो गया और भी अदर चीज़ हैं, और ये है प्रिवेंशन। क्या है? प्रॉपर मेथड अगेंस्ट द वेक्टर ब्रीडिंग, वेक्टर के ब्रीडिंग को क्या करना है? रोकना है, जैसे आसपास में कचरा का पानी नहीं जमा होने देना है, नहीं तो क्या होगा? आपका मच्छर पैदा होगा, सुने ही होंगे, तो वो सब इसका प्रिवेंशन में आ जाएगा। इंजेशन द्वारा भी होता है, जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जनरली एक्वायर्ड बाय द इंजेशन ऑफ द फूड ड्रिंक कंटामिनेटेड पैथोजेन, ठीक है, और इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड इंजेशन वाटर बॉर्न कोलरा जैसे होता है, खराब पानी पीने से क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड पानी पीने से कोलरा हो जाता है, फूड बॉर्न जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हैंड बॉर्न डिसेंट्री हो जाता है। प्रिवेंशन मेंटेन प्रॉपर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हाइजीन, ये आपको प्रिवेंशन है कि प्रॉपर ईटिंग आपकी नहीं कि बिना हाथ धोए और खाना चालू कर दिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका प्रिवेंशन है, प्रॉपर ईटिंग करने और ड्रिंकिंग करने पर हाइजीन मेंटेन करना है आपको। एंड इनोकुलेशन, पैथोजन इनोकुलेटेड डायरेक्टली इनटू द टिश्यू ऑफ द होस्ट, कुछ पैथोजन डायरेक्ट इनकुलेट हो जाते हैं डायरेक्ट इन द टिश्यू, एंड टेटनस स्पोर इम्प्लांट इनटू डीप वुंड, रैबीज वायरस डिपोजिटेड सबक्यूटेनियसली बाय द डॉग बाइट,
तो जैसे डॉग बाइट द्वारा रैबीज इनकुलेट हो जाता है, और कटफोर्ड उंड द्वारा किससे आपका टेटनस का स्पोर डिपॉजिट हो जाता है, हेपेटाइटिस बी एच आई वी ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एंड यूज ऑफ ट्रांस कंटामिनेटेड सीरिंज और नीडिल एमोंग द एडिक्टेड एंड इंजेक्टेबल ड्रग। कहेगी जैसे देखिए हेपेटाइटिस बी और एच आई वी जो है ट्रांसफ्यूजन ब्लड से नीडिल से, ठीक है, इंजेक्टेबल जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना तो वो नीडिल बार बार एक ही यूज़ करते हैं लोग, सब लोग एक ही, तो उससे होता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, यूज़ ऑफ डिस्पोजल सिरिंज एक ही बार यूज़ करने वाला, एंड वैक्सीन इन केस ऑफ टेटनस के जो वैक्सीन जिसका अवेलेबल है उसका वैक्सीन लेके एथी कर ले। फिर कंजेनाइटल वर्टिकल ट्रांसमिशन, सम पैथोजेन आर एबल टू क्रॉस प्लासेंटल बैरियर एंड इन्फेक्ट द फ्यूटस इन यूटरस एंड रिजल्ट ऑफ एबॉर्शन मिसकैरेज स्टील बर्थ, ठीक है, लिव इन्फेंट बॉर्न, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज इन कंजेनाइटल सिफिलिस, अब क्या कंजेनाइटल वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होगा, अगर माँ कैरियर है तो वो जैसे एच आई वी का अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्चा होगा ही होगा, एंड एबॉर्शन मिसकैरेज स्टील बर्थ ये सब भी के कारण भी आपका कंटाजिनेशन हो सकता है, कंटाजिनेशन सिफिलिस, सिफिलिस जो है आपका कंटाजिनेटल सिफिलिस हो जाता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन है मतलब कंटाजिनस मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ को है तो बेटा को होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, इन्फेक्ट को भी होगा। लैक्टोजिनस लेबोरेटरी, लैक्टोजिनस और लेबोरेटरी इन्फेक्शन, लैट्रोजेनिक लेबोरेटरी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में भी सम ऑफ द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन लंबर पंचर एंड कैथेटराइजेशन इफ मेटिलस मतलब एक्सेस केयर ऑफ अफसेसिस इज लैकिंग, मतलब बिल्कुल जो लैब में काम करे उसमें कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रह रहा है तो वो आपको हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा पैथोलॉजिस्ट लोग को होता है, ठीक है। आगे हम लोग एक बता रहे हैं, मेरे एक संस्था है रामानंद फाउंडेशन जो गरीब बच्चे के लिए है और अनाथालय बनवाने में सपोर्ट कर सकते हैं, इसको हर सोशल मीडिया पर प्लीज़ ज़रूर जाकर सपोर्ट कर दे, फॉलो कर दे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।